बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि खुद जीतन राम मांझी ने नीतीश से अलग होने के बाद एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आते हैं तो ये राज्य के हित में सही होगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो किस समय क्या करेंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिहार में कुछ भी संभव है। कुछ दिनों पहले ही संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी और पूर्व मंत्री संतोष सुमन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि एनडीए में शामिल होने का अभी तक औपचारिक ऐलान जीतन राम मांझी ने नहीं किया है। ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और मुकेश सहनी बहुत जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के एक बार फिर सियासी पलटी मारने की चर्चा हो रही है, उस चर्चा को हरिवंश ने पटना आकर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद खुद हवा दी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने एक ही दिन में एक के बाद एक राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद हाल ही में नीतीश कुमार से अलग हुए। जीतन राम मांझी के इस बयान से सियासी अटकलबाजियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट की लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ साथ राष्ट्र कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। चिराग पासवान की बैठक खत्म होने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। गठबंधन करने के फैसले लेने पर उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक में पदाधिकारियों ने मुझे अधिकृत किया है। गठबंधन की चर्चा पहले से चल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि 2024 और 2025 के चुनाव में पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, उस पर पार्टी की आज बैठक हुई है। गठबंधन को लेकर जब तक पूरे फैसले नहीं होंगे तब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि पार्टी के सभी नेताओं ने मुझे गठबंधन करने के लिए अधिकृत किया है। कुछ बैठकों के बाद गठबंधन का फैसला सामने आ जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दिया है कि नीतीश कुमार को एक तरीके से आमंत्रित किया है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए में शामिल हों, जिस वजह से राज्य को एक अच्छा रास्ता देखने को मिले। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर कुछ अच्छा कर सकते हैं बिहार के लिए, ऐसा जीतन राम मांझी ने कहा है। और ये राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और नीतीश कुमार के बारे में जिस तरीके से कहा जाता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा।